हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। हमारे डेली के जो वर्क होते हैं उसे करते करते कभी कभी हम बहुत बोर हो जाते हैं। हर दिन हमें वही काम करना होता है, सुबह उठना, बच्चों को लंच तैयार करके देना, उन्हें स्कूल भेजना, ऑफिस के लिए भेजना, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह, कितने सारे हमारे पास काम होते हैं जो हम डेली करते हैं। सभी लोग लगभग यही काम करते हैं, लेकिन सबका काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कोई इसे बहुत मजे के साथ करता है और कोई इसे अपनी जिम्मेदारी और बर्डन के साथ करता है। ये सब हमारी कभी कभी सोच पर भी निर्भर करता है। हमारी जो लाइफ है ना, हमारे सोच पर मोस्टली डिपेंड होती है। अगर मान लिया तो हमारी लाइफ मस्त है, वरना जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है। घर की डस्टिंग मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, जिससे मेरा घर जो है ना हर समय साफ सुथरा रहता है। जब कभी तबीयत ठीक नहीं रहती या फिर मन नहीं करता तो हल्की फुल्की डस्टिंग से भी मेरा काम चल जाता है। बारिश के दिनों में अगर आप डस्टिंग एक दिन छोड़ के भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि धूल मिट्टी जो है ना इस टाइम पर नहीं उड़ती है। एक तरफ जहाँ मैं चीज़ें समेटने में लगी हुई हूँ, क्लीन करने में लगी हुई हूँ, दूसरी तरफ मेरा बेटा चीज़ों को उसी तरह फैलाने में लगा हुआ है। उसे ये साइकिल बहुत पसंद है तो मैं इसे दे दे रही हूँ अभी इसे खेलने के, ताकि इसमें ये बिजी रहे और मैं अपना काम निपटा सकूँ। बारिश के दिनों में हमें एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी पड़ती है, टीवी का जो रिमोट है वो अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि हवा में ना बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो हर जगह आपको चिपचिपा सा लगेगा और हर जगह आपको चीज़ें छूने पर थोड़ी गीली गीली सी भी लगती है। तो मैं इस टीवी रिमोट को इस सिंक फ्लेम की मदद से अच्छे तरीके से रैप कर दे रही हूँ, ताकि ये पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए। बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार ये अपने साथ बहुत सारी परेशानियाँ भी लेकर के आता है। अगर वो सारी परेशानियों का आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे तो ये मौसम आपके लिए बहुत ही अच्छा और जॉयफुल हो जाएगा। रिमोट को मैंने अच्छे तरीके से कवर कर लिया, एक बार मैं इसे चेक कर ले रही हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने वॉल्यूम के बटन को अप डाउन करके देखा तो ये अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। अब इस मौसम में ये रिमोट पूरी तरीके से सेफ हो गया है। हमारी जो लाइफ होती है वो एक सरोवर या एक नदी की तरह होती है, जिसमें मछलियाँ भी रहती है और मोती भी रहती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप दोनों में से क्या चूज़ करते हैं। वही बगुला मछली पकड़ता है और वही हंस मोती लेता है। कहने का मतलब ये है कि हर किसी को दूसरे की लाइफ में बहुत ही अच्छी लगती है और अपनी लाइफ बोरिंग सी लगती है, लेकिन हर किसी का जीने का तरीका अलग होता है, लाइफ स्टाइल अलग होता है और ज़िंदगी को जीने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है। किचन जो होता है वो हमारे घर का अहम हिस्सा होता है, जहाँ पर हम मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं। और यही हिस्सा अगर आप पूरी तरीके से साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो खाना बनाने में भी आपको मन नहीं लगेगा और आपके किचन में कॉकरोच वगैरह भी आ जाएंगे। अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना, व्यवस्थित रखना हर कोई चाहता है। तो मुझे भी आज थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि अपने किचन को अच्छी तरीके से डीप क्लीन कर लूँ। यहाँ पर दो आप ओपन सेल्फ देख रहे हैं जहाँ पे मैं स्नैक्स वगैरह रखती हूँ, तो इसकी क्लीनिंग मैं सबसे पहले कर ले रही हूँ। और यहाँ पर नीचे की साइड में अखबार बिछा दे रही हूँ। जब कभी ये सेल्फ गंदा भी होता है तो मुझे सिर्फ अखबार चेंज करना होता है, और जब डीप क्लीन करती हूँ तो अखबार को हटा करके अच्छी तरीके से सेल्फ को भी साफ कर लेती हूँ। किचन बनाते समय एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी कैबिनेट वगैरह आप बनाते हैं उतना ही बनाए जितना आपको ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कैबिनेट वगैरह बना लेते हैं तो आपका बड़ा किचन ना छोटा दिखने लगता है और पूरा क्लटर दिखता है। मैंने जो अपना किचन बनवाया है, यानी कि यहाँ पे जो भी काम करवाया है कारपेंटर से, उसमें ऊपर की साइड में दो सेल्फ बनवाए हैं जो पूरी तरीके से मैंने बंद रखा है, क्योंकि किचन में ना जब हम खाना बनाते हैं तो उसका धुआं वगैरह लगता है तो कैबिनेट वगैरह ज़्यादा गंदे होते हैं। अगर आप ज़्यादा ओपन सेल्फ रखेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बंद वाले सेल्फ बनवाते हैं तो आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है। किचन घर का वो हिस्सा होता है जहाँ पे घर के सभी सदस्यों की खाने पीने की जिम्मेदारी को पूरा किया जाता है। महीने में एक बार अपने किचन को अच्छी तरीके से डीप क्लीन करना चाहिए। इससे जो भी इंसेक्ट वगैरह आपके किचन में रहेंगे वो भी भाग जाएंगे और आपका किचन भी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। कैबिनेट वगैरह पे या उसके हैंडल पे जो दाग लग जाते हैं उसे आप विम लिक्विड की मदद से साफ करेंगे तो अच्छी तरीके से वो साफ भी हो जाएगा।
अगर आप किचन के सेल्फ में लाइनिंग या फिर कोई अखबार बिछा कर रखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे किचन कैबिनेट कम गंदा होता है। काउंटर टॉप के अपोजिट वाले किचन कैबिनेट को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब मैं ऊपर वाले कैबिनेट को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लूंगी। किचन को साफ करना, घर को साफ करना थोड़ा टफ लगता है, लेकिन अगर आप एक बार मन बना लेते हैं तो यही टफ काम आपको ईजी लगने लगता है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब दिवाली की सफाई होती थी तब हम घर की सफाई करते थे या फिर किचन को अच्छी तरीके से क्लीन करते थे। उसी टाइम पर लोग डब्बे वगैरह भी धोते थे, लेकिन अब ऐसा होता है कि जब डब्बा आपका एक बार खाली हो जाए उसी टाइम आप उसे वॉश कर लेंगे तो एक बार आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। किचन कैबिनेट में मैं उतना ही सामान रखती हूँ जितना मैं यूज़ कर सकती हूँ या जितना मैं क्लीन कर सकती हूँ। बाकी जो सामान मेरे यूज़ वाले नहीं होते हैं उसे मैं ऊपर वाले कैबिनेट में रख करके कार्टन में बंद कर देती हूँ, और उसमें एक फिनाइल की गोली डालना बिल्कुल भी नहीं भूलती, जिससे उसमें कॉकरोच भी नहीं आते हैं, कोई स्मेल भी नहीं आती है। आप जितनी बार अपने घर को या किचन को रीअरेंज करते हैं या फिर क्लीन करते हैं तो उससे आपका जो घर या किचन है एक नया लुक रिप्रेजेंट करता है और आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। सारी जगह क्लीन होने के बाद इस फैन को भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ। इसमें मैंने हल्का सा विम बार डालकर कपड़े में पोंछ लिया है, जिससे इस पे लगी हुई सारी गंदगी या चिपचिपाहट जो थी वो क्लीन हो गई है। जब भी मैं कोई डीप क्लीन करने चाहती हूँ तो उसके पहले खाना बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग करने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और देखिए मैंने घर से कितना सारा कचरा निकाला, यानी कि अपने किचन से इतना सारा कचरा निकाला, अब मैं इसे भंगार वाले को दे दूँगी। जब भी आप घर की क्लीनिंग करते हैं तो आपका घर जो है ना वो डीक्लटर भी हो जाता है और साथ साथ उसकी क्लीनिंग भी हो जाती है। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें सहेज कर रखते जाते हैं कि इसकी ज़रूरत शायद हमें कभी पड़े, लेकिन वो चीज़ें रखे रखे हमारे पास जमा होती जाती है और उसकी ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ऑनलाइन फूड हम मंगवाते हैं तो उसका डब्बा वगैरह हो गया, तो उन सबको आप टाइम टू टाइम डीक्लटर करते रहिए, जिससे आपका घर भी साफ होता रहेगा। घर के साथ साथ बाहर का काम संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो आप सारी चीज़ों को या सारे काम को अच्छी तरीके से हैंडल भी कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी औरतें होती हैं जो घर के साथ साथ बाहर का भी काम संभालती है, ऑफिस भी जाती है, फिर उसके आने के बाद घर का भी काम अच्छे तरीके से वो करती हैं। यहाँ पर मैं आई थी सब्जी लेने के लिए, यहाँ पर जब मैंने टमाटर का भाव पूछा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। टमाटर का जो भाव है वो 120 रुपये किलो है। आपके साइड में टमाटर का भाव क्या चल रहा है? ऐसा अक्सर होता है कि जब भी बारिश होती है ना तो सब्जियों के दाम बहुत ही बढ़ जाते हैं। पहले के ज़माने में लोग कुछ कुछ सब्जियों को काट करके उसे सुखा करके रख लेते थे, और बारिश के टाइम में जब कोई सब्जी नहीं मिलती थी तो उसे ही लोग बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया भी खत्म हो गई है। अब लोग सब्जी को काट कर सुखा कर रखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप गांव में जाओगे तो आज भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। जो भी सब्जी मैंने यहाँ पे ली वो बहुत ही महंगे थे, मतलब टमाटर का तो पूछो ही मत, बाकी बैंगन वगैरह या फिर खीरा वगैरह भी, कोई भी सब्जी 40 के पाँव से नीचे बिल्कुल भी नहीं है। बारिश के दिनों में सब्जियां ज़्यादा सड़ती है, शायद इसी कारण थोड़ी महंगी भी मिलती है। फ्रूट्स में लेने गई तो वो भी काफ़ी महंगे थे, सेब तो 250 रुपये किलो। खैर थोड़ी सी सब्जी लेकर के मैं घर आ गई वापस, और बारिश भी यहाँ पर ना स्टार्ट हो ही गई है। यह एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि जब भी आप सब्जी लेने जाते हो तो वहाँ पर आपको मिर्ची, धनिया पत्ता और करी पत्ता ज़रूर मिल जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अपनी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।